वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में क्या अभी और प्रज्ञा सच में मर जाएंगे, क्या अभी की याददाश्त चली जाएगी, क्या सच में अभी और प्रज्ञा अलग हो जाएंगे, या फिर क्या होगा आने वाले एपिसोड में खास, और आखिर में ये दिग्विजय कौन सी बला है जो कि अभी और प्रज्ञा के पीछे पड़ गया, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करके ऐसे रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट लाते रहते हैं। आप एक लाइक करेंगे हमें अप्रिसिएशन मिलेगी और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहेंगे। आने वाले एपिसोड में देखने के लिए तैयार हो जाइए, जब यहां पर अभी और प्रज्ञा दोनों एक ऐसे मुकाम पर खड़े होंगे जहां पर दोनों में से किसी एक की जिंदगी ही बचाई जा सकती है। अभी यहां पर प्रज्ञा को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करेगा, जिसके अंदर अचानक से उसको गोली लग जाएगी। लेकिन यहां पर अब आखिर में गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि दिग्विजय है। लेकिन दिग्विजय चेहरा क्यों छुपा रहा है, आपके मन में यह सवाल होगा। और आखिर में दिग्विजय है कौन, उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। यहां पर दिग्विजय का पूरा किस्सा आपको बहुत जल्दी दिखाया जाएगा, जिसके अंदर पुरानी दुश्मनी है अभी से और अभी ने क्या बिगाड़ा है उसका, उसके बारे में आपको पता चलेगा। अब आखिर में ये दुश्मनी यहाँ पर रणवीर, प्राची और रिया की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह करके रखने वाली है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, अभी और प्रज्ञा को ज्यादा कुछ तो होगा नहीं, बस वो दोनों अलग हो जाएंगे। आलिया का प्लान कामयाब हो जाएगा, आलिया अब यहाँ पर प्रज्ञा को घर के अंदर आने नहीं देना चाहती थी, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद में अब काफी ज्यादा और भी ट्विस्ट आने वाले हैं। रणवीर और प्राची को अभी हम साइड में रखते हैं, अभी और प्रज्ञा की बात करते हैं। तो अभी और प्रज्ञा एक दूसरे को बचाते बचाते एक दूसरे में इतने खोने वाले हैं कि आखिर में आगे चलकर वो दोनों अलग होने वाले हैं। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।